हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सौंदर्य चैप्टर कंप्लीट किया था। इसी क्रम में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जिसने पिछली वीडियो पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो आप पहले उन क्लासेस को पढ़ लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है। अगर आप प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसमें डालिए UPTGT आर्ट प्रैक्टिस सेट, तो आ जाएगा और इस नाम से बनी है। और इसके अलावा अगर थ्योरी की क्लास देखना चाहते हैं तो उसमें थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और आपको टाइम बता देते हैं। कल आप सभी ने बोला था कि सुबह का तो टाइम हमारा वही रहेगा, सुबह का 8 बजे। ठीक है, लेकिन रात का जो टाइम है हमारा वो हो जाएगा 9 बजे। क्या 9 बजे रात का अब टाइम हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। 10 बजे सभी लोग बोल रहे थे कि लेट हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, रेस्ट चाहिए हमको। तो 9 बजे, पहले 10 बजे होती थी क्लास, अब उसकी जगह पर 9 बजे आज से क्लास होंगी। ठीक है, आज तो 10 बजे हो रही है, कल से 9 बजे क्लास होंगी। ठीक है, तो सुबह की क्लास तो 8 ही बजे होगी, रात की 9 बजे होगी। आप टाइम में चेंजिंग जो हुई है उसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम क्या है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। बताइए आंसर क्या होता है पहला क्वेश्चन का। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना, त्वरित गति, स्वाभाविक आकार। बताइए पुनर्जागरण कालीन चित्रकला किसके लिए फेमस है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 और 2 सही हैं। मतलब रेखीय परिप्रेक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है क्या पुनर्जागरण कालीन चित्रकला, और किसके लिए? छाया प्रकाश के लिए। रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश और स्वाभाविक आकार, तो ये तीनों हैं, ये किसके लिए है? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। समझ गए, रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना, स्वाभाविक आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। बताइए द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस, बताइए आंसर। तेल चित्रकारी, टेम्परा, जलवर्ण, फ्रेस्को। फ्रेस्को है। ठीक है, सबसे मशहूर कार्य क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस, ये किसका है? ये फ्रेस्को का है। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस चित्र को पायरो डेला फ्रांसिस्को ने फ्रेस्को पद्धति में बनाया था। ठीक है, तो कौन से गिरजाघर में? सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में। क्या द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस चित्र को पायरो डेला फ्रांसिस्का ने किसमें? फ्रेस्को पद्धति में बनाया था। ठीक है, अब ये देखते हैं, पायरो डेला फ्रांसिस्का एक श्रेष्ठ भित्ति चित्र अरेज्जो के संत फ्रांसिस्को गिरजाघर में है जिसमें सम्राट कंसिस्टाइन के स्वप्न का दृश्य है।
उसमें क्रॉस के चिन्ह से युद्ध में विजय प्राप्त होनी थी। ठीक है, बस इतना ही। लियोनार्डो द विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डेस सम्मानित किया। बताइए आंसर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लियोनार्डो द विंसी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 1452 से लेकर 1519 तक। तो लियोनार्डो द विंची जो हैं उन्होंने कार्य कब तक किया है? 1452 से लेकर 1519 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोनालिसा पेंटिंग। जो मोनालिसा पेंटिंग है वो किसने बनाई है? लियोनार्डो द विंसी ने बनाई है। और कब बनाई थी? 1503 से 1506 के लगभग। कब? 1503 से 1506 के लगभग। और ये विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, अब देखिए लियोनार्डो द विंसी कौन थे? ये शिक्षक थे। ठीक है, कहाँ के? वेरोसियो के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, हवाई जहाज़ का सर्वप्रथम जो रेखांकन किया था वो किसने किया था? लियोनार्डो द विंसी ने किया था। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, पेरो डेला फ्रांसिस्का डेस का एक इटली का चित्रकार था। गॉथिक कला, गोथिक काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण, मध्यकाल, मध्ययुगीन काल, रोकोको अवधि। क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण का एक इटली का चित्रकार था। समझ में आ रहा है? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं, बताइए। चलिए फिर आता है नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन थे? मैक्स बैकमैन, ओटोडिक्स, लियोनेल पेनिंगर, जॉर्ज ग्रॉस, फिर दूसरा आता है पिकासो, जॉर्जियस बराक और अल्बर्ट ग्लासेस, फिर आता है नेक्स्ट फर्नांड लेजर, रॉबर्ट डेलाउने, हेनरी लॉरेन और कॉन्स्टेंटाइन बैंक्रीसी, जाने क्या लिखा है। क्या है आंसर इसका? तो आंसर सही हो जाता है, आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बैकमैन, डिक्स, फिनिंगर, ग्रॉस। ये जर्मन अभिव्यक्तिवाद हैं। ठीक है, तो बैकमैन, डिक्स, फिनिंगर, ग्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आता है इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी। पेरो डी कोसिमो, पाओलो उकेल्लो, एंटोनेलो द मेसिना, फिलिपो ब्रुनेलेसी। क्या होगा करेक्ट आंसर? इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम बताइए जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक का तैयार किया था। तो परिप्रेक्ष्य तकनीक किसने दी थी? ये पाओलो उकेल्लो ने। ठीक है, परिप्रेक्ष्य तकनीक किसने दी थी? उकेल्लो ने। नेक्स्ट, उस कलाकार का नाम दें जो अवंत गार्डे, फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला और मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वस्तुकला का जनक माना जाता है। क्या होगा आंसर? क्या होता है करेक्ट आंसर? तो ये थे मार्सेल द्यूनशा। कौन? मार्सेल दुनसिया। उस कलाकार का नाम दें जो अवंत गार्डे, फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और जिनको वस्तुकला का जनक मानते हैं। तो किसको? मार्सेल दुनसा को वस्तुकला का जनक मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। गेट्टो डी बांडोन, डोनाटेल्लो, लियोनार्डो द विंसी, फिर है माइकल एंजेलो। किसने कहा था मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं?
तो किसने कहा था? ये कहा था माइकल एंजिलो ने। किसने? माइकल एंजिलो ने कहा था। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आता है सिस्टिन चैपल छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? सिस्टिन चैपल छोटा गिरजाघर के छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्या है? तैलवर्ण, जलवर्ण, मोजाइक, फ्रेस्को, क्या है? गिरजाघर की छत पे क्या लगाया जाता है बताइए। तो फ्रेस्को, ठीक है, फ्रेस्को ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजिलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? फ्रेस्को, तैलचित्र फलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, क्या है? आंसर क्या होता है करेक्ट? आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी संगमरमर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टी से रेई क्या है? रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घीकरण, रंगों की पारदर्शिता या छोटे रंगीन घन, क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, ये छोटे रंगीन घन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टी से रेई कहते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, गोथिक चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? रंजित कांच की खिड़कियां होती हैं इसमें, क्या? गोथिक चित्र शैली में क्या होता है? रंजित कांच की खिड़कियां होती हैं, ठीक है, ये होती है गोथिक चित्र। फिर आता है स्टेन ग्लास विद्या का विकास किसने किया था? गोथिक युग में हुआ था, ठीक है, गोथिक युग में स्टेन ग्लास विद्या का विकास हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है, गोथिक शैली का आरंभ कब से माना जाता है? 12वीं शताब्दी से, कहाँ पर? फ्रांस में। फिर आता है, गोथिक शैली के दरवाजे तथा खिड़कियों का शीर्ष भाग कैसा होता है? नुकीला मेहराब प्रकार का होता है, ठीक है। गोथिक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मास्टर ऑफ मॉलिन्स ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है। किसमें? इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है। तो पहला क्या है, गोथिक चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? रंजित कांच की खिड़कियां। स्टेन ग्लास विद्या का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो गोथिक युग में हुआ था। गोथिक शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? 12वीं शताब्दी से, कहां से? फ्रांस में हुआ था। गोथिक शैली के दरवाजे और खिड़कियों का शीर्ष भाग कैसा है? नुकीला और मेहराब प्रकार का है। फिर आता है, गोथिक शैली का चित्रकार मास्टर ऑफ मॉलिन्स इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण करते थे। मास्टर ऑफ मॉलिन्स किसका है? तो ये गोथिक शैली का है। आगे समझ में? चलिए ये इम्पॉर्टेंट है, गोथिक कला जो है वो कैसी शैली में बना है? तो ये वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है। हाँ, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? फोंट द गोम, अल्टामिरा, लामूत, लास्को। स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? तो किस क्या होता है? अल्टामिरा की। नेक्स्ट, 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला से संबंधित हैं बताइए। श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन किस कला में संबंधित हैं? रोमन कला, मिसिसिपी कला, ग्रीक कला, मेसोपोटामिया की कला, क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी, ग्रीक कला। क्या है? ग्रीक कला से संबंधित है क्या? श्याम एवं श्वेत चित्रित बर्तन, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो अब इनके कलाक्रम को सुनिश्चित करना है। ये देखिए यूजीसी में आया है, नवंबर 2017 पेपर थर्ड में, बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी, राफेल, टिंटोरेटो, रूबेंस, रेम्ब्रा। फिर से देखिए, राफेल, फिर है टिंटोरेंटो, फिर है रूबेल, फिर है
रेम्ब्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, इनका टाइम पीरियड भी देख लीजिए अगर देख सकें तो। राफेल सैनजियो जो हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, 1483 से 1520 के बीच में। टिंटोरेटो का क्या है, 1518 से 1594। फिर रूबेंस का क्या है, 1577 से 1640। फिर रेम्ब्रा तो 1606 से लेकर 1669 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इनका फिर से एक कालक्रम बताना है, बताइए क्या होता है आंसर, क्या हो जाता है इसका। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द प्रोडिगल सन, फिर है द सिटी राइजेज, फिर है न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। तो क्या है, द प्रोडिगल सन, द सिटी राइजेज, फिर आता है न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। तो आ गया होगा समझ में, इसका टाइम पीरियड देखना है, देख लीजिए। द प्रोडिगल सन कब का है, 1922। द सिटी राइजेज 1910। न्यू डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस ये 1912। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड ये 1913। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अभिकथन और कारण से क्वेश्चन आ जाता है, बताइए। तो चलिए अपना मेथड अपनाते हैं, आंसर देखा, ऑप्शन डी सही है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो कथन क्या है, स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। क्या है, एक स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, सही है। फिर है, यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल था, सही है। तो स्टोनहेंज जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, पूर्व ऐतिहासिक इमारतों के लिए, सबसे पुराना है। ठीक है, चलते हैं। अब इसका सुमेल करना है, तो बताइए इसका सुमेल क्या होगा। ये भी यूजीसी में आया हुआ है, बताइए। घिबर्टी, ऑगस्टन, ऑगस्ट रॉडिन, एडवर्डो पाओलोजी और जॉर्ज बेस्टलिट्स, क्या होगा आंसर करेक्ट। इसका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब इसका मिलान करते हैं। घिबर्टी जो है इसकी क्या है, तो ये गेट्स ऑफ पैराडाइज, घिबर्टी क्या है, गेट्स ऑफ पैराडाइज। फिर है ऑगस्ट रॉडिन, तो इनका क्या है, द गेट्स ऑफ हेल। ठीक है, फिर एडवर्डो पाओलोजी का क्या है, तो ये है जापानीज वार गॉड। फिर क्या है, जॉर्ज बीसलिट्ज, तो इसका क्या है, तो फिगर विद रेड्स आर्म। ठीक है, इसमें और देख लीजिए आप अच्छे से, इनका सुमेल कैसे होना है। घिबर्टी, गेट्स ऑफ पैराडाइज, ऑगस्ट रॉडिन, द गेट्स ऑफ हेल, एडवर्डो पाओलोजी, तो ये जापानीज वार गॉड। फिर है जॉर्ज बेसलिट्ज, तो फिगर विद रेस्ट आर्म। ठीक है, फिर आता है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है। स्कल्पचर कहाँ, हाँ ये है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है, बताइए। विंसेंट वॉन गॉग, ई एच गॉम्ब्रिज, जिया जियार्जियो वशारी, गुस्ताव कुर्बे, कौन है, क्या होता है करेक्ट आंसर। इसका आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जियार्जियो वशारी। किसका है, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स। ठीक है, कौन है, जियार्जियो वशारी। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर का युग का समय क्या है, 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000, 30,000, 20,000, क्या है। आंसर सही हो जाता है इसका, टाइम पीरियड क्या है, 30,000 वर्ष पूर्व का है। जो यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग हैं इसका क्या है, 30,000 वर्ष पूर्व है। नेक्स्ट आता है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है, किस गुफा में स्थित है। हाथी के चित्र में क्या बना है,
हाथी का चित्र है जिसके शरीर पर क्या बना है, पान की आकृति बनी है। ये किस गुफा में है, ला पिलेटा, लिवांजो, सेंटियन, पिंडाल, किसमें है जिसमें पान बना है? तो क्या होता है करेक्ट आंसर, ये है पिंडाल। ये पिंडाल है जिसके जिसमें एक हाथी बना हुआ है, और इस हाथी के शरीर पर कौन सी आकृति दिखाई गई है, पान की आकृति दिखाई गई है पिंडाल में। नेक्स्ट है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान और मेसोपोटामिया, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, इटली एवं फ्रांस में, बताइए कहाँ पर? क्या करेक्ट हो जाता है? इसका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में क्या यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र दिखाई देते हैं, स्थित हैं। फिर प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? अल्टामीरा, बर्लिन, हॉलैंड, रोमीरा, कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं अल्टामीरा में। प्रागैतिहासिक चित्र के जो यूरोप में मिले हैं, क्या मिले हैं? अल्टामीरा, ठीक है, स्पेन में। इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। स्पेन में स्थित अल्टामीरा गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? सातुओला। सातुओला को किसका? अल्टामीरा गुफा की खोज। इसकी खोज के पश्चात पाषाणकालीन गुफाओं की खोज की दिशा में और प्रयत्न हुए। स्पेन के उत्तरी पूर्वी भाग में तथा फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में लगभग 50 गुफाओं की खोज हुई, जिसमें पाषाण युगीन चित्र पाए गए। अल्टामीरा की गुफा की खोज कब हुई? 1879 में। केवल इतना याद रखना है कि अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की थी, तो सातुओला ने की थी, और इस गुफा की खोज कब हुई थी? 1879 में। बाकी कुछ नहीं याद करना। फिर आता है फ्रैको कंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं, बताइए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस का मिट्टी क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है। क्या होगा आंसर, बताइए। तो आंसर क्या करेक्ट होता है? आंसर सही होता है फ्रैको कंटेब्रियन क्षेत्र जो है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। क्या? फ्रैको कंटेब्रियन क्षेत्र जो है वो क्या है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर आता है प्रस्तर खंड, जिसे हम स्टोन हेज कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? प्रस्तर खंड कहाँ पर स्थित है, बताइए। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, तो कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में है। प्रस्तर खंड स्टोनहेंज कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शब्द पैचीपोडस यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक गुफा, एक युग, मानव शरीर का प्रकार, विषय, बताइए। पैचीपोडस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है मानव शरीर के प्रकार के लिए। पैचीपोडस जो है वो मानव शरीर के प्रकाश के लिए, वो सॉरी मानव शरीर का प्रकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या बिल्कुल मरे मरे से, बिल्कुल से धीमे धीमे कमेंट कर रहे हैं, फास्ट करिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ है एनर्जी थोड़ी बहुत। अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्पेन की गुफाएं। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? लास्को, ट्राइफ्रेरस, अल्टामिरा, ला कंबारेली, बताइए किसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? क्या होगा, फटाक से करिए कमेंट। कितना धीमे धीमे चलते हैं, बिल्कुल से पता नहीं, बच्चा भी आपसे तेज चलता होगा, करिए। आंसर होता है अल्टामिरा में। अल्टामिरा में क्या हुआ है? अंगुलियों से रेखाएँ बनाई गई हैं, ठीक है। देखिए ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्पेन की अल्टामीरा गुफा में गीली भित्ती पर उंगलियों से टेढ़ी मेढ़ी फीते के समान आकृतियां बनाई गई हैं। इस गुफा में अधिकांश बाइसन के चित्र ही बनाए गए हैं। कौन से चित्र? बाइसन के चित्र। यहाँ से हमें एक प्रसिद्ध चित्र घायल वृषभ प्राप्त हुआ है। तो घायल वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? अल्टामीरा से प्राप्त हुआ है। और अल्टामीरा कहाँ पर है? ये स्पेन में है। और इसमें कैसे
कैसी भित्ति पर चित्र बनते हैं? तो इसमें गीली भित्ति पर उंगलियों से टेढ़े मेढ़े फीते के समान आकृतियां बनाई गई हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में हैं? तो अभी ऊपर पढ़ा है, कहाँ पर है? स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंस, बताइए अल्टामीरा में क्या होता है? तो सभी को पता है, जंगली भैंस। ये हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला जब पढ़ाई थी तब वहाँ पर ये पढ़ाया था, याद हो अगर आपको पढ़ा हो तो। फिर आता है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं रेंडियर, मानव, बाइसन, क्या हैं? तो सभी को पता है, रेंडियर भी हैं, मानव भी हैं, बाइसन भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? डी पिरानी ने, मारिया शातुओला ने, ई रेवियर, एच ब्रुइल। तो अभी अभी ऊपर पढ़ा है, किसने? सातुओला ने। किसने? सातुओला ने। किसमें? अल्टामीरा गुफा में, ठीक है। सब होशियार हो गए हैं, अब तो सबके आंसर आने लगे, अच्छे आंसर आ रहे हैं, शाबाश। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी, लखनिया, बेलारी, कालीखो। अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं, बताइए? तो ये कहाँ के हैं? पंचमढ़ी के। अल्टामीरा किसके बराबर है? पंचमढ़ी के। अल्टामीरा में क्या मिलता है? जंगली भैंसा मिलता है। इसकी खोज किसने की थी? तो सातुओला ने की थी। कब की थी बताइए? कब की थी? करिए कमेंट फटाक से, हम ही बताएं सब कुछ। अल्टामीरा के गुफा चित्र किस काल के हैं? पुनरुत्थान काल, बरोक काल, प्रागैतिहासिक काल, बाइजेंटाइन काल, बताइए। गलत नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो गाल में ना सीधे पड़ने वाली है, क्योंकि शाबाश बन गए, सबसे सब ने सही कर दिया। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है, फ्रांको कैंटाब्रियन किस लिए प्रसिद्ध है? पाषाण कला, गौथिक कला, शास्त्रीय कला, रोमनस्क कला। फ्रांको कैंटाब्रियन किसके लिए फेमस है, बताइए? कैंटाब्रियन। तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन ए, पाषाण काल से संबंधित है। फ्रांको कैंटाब्रियन किसके लिए है? पाषाण काल के लिए है, ठीक है। यहीं पर याद करते चलना है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्रांस की गुफाओं से, तो अब बन चलते हैं, बताइए इसका क्या होगा। लास फॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियाँ हैं? सिंह की, हाथी की, डायनासोर की, बाइसन की, किसकी हैं, बताइए? क्या हो जाता है करेक्ट आंसर इसका? हाँ, क्या होता है? तो आंसर करेक्ट हो जाता है इसका ऑप्शन डी, बाइसन की। किसमें? लास फॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु किसकी आकृतियां हैं? तो इसमें बाइसन की आकृतियां हैं। इसको देख लीजिए, लास फॉक्स की गुफा कहां पर है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। और इस गुफा की खोज कब हुई? 1940 में हुई थी। इस गुफा में अधिकांश बाइसन या जंगली भैंसा के चित्र प्राप्त हुए हैं। लाइव फॉक्स गुफा में बहुरंगी गाय एवं तैरते हुए हिरन, जंगली अश्व एवं सुंदर महेश निहित चित्रित हैं। फिर आता है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास फॉक्स क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिमोत्तर जर्मनी, दक्षिण फ्रांस, उत्तर इटली, पूर्व स्पेन, बताइए क्या होता है? दक्षिण फ्रांस। अभी अभी ऊपर, इसके जस्ट ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? ये भी बन जाना चाहिए, अभी अभी पढ़ा है। 1841, 1930, 1940, 1741, क्या होता है करेक्ट आंसर भाई साहब? बता दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा? फटाक से, जल्दी 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 करिए कमेंट भाई, जल्दी से। तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन सी, 1940, क्या? 1940 में, ठीक है। फिर आता है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, नियो गुफाएं, लास्को की गुफा, अल्टामीरा की गुफा, बताइए वृषभों वाला कच्छ जो है किस में है, बताइए आंसर करिए कमेंट। होशियार हो गए हैं भाई साहब, आप लोग तो बड़े होशियार हो गए हैं। चलिए, तो क्या है?
लास्को की गुफा में क्या बताया गया है? वृषभों वाला कच्छ बना है, ठीक है। फिर आता है वृषभों वाला कच्छ शब्द की किस गुफा के लिए प्रयुक्त किया गया है? फाते दगाम, लास्को, लाकाम्ब्रालेल, अल्टामीरा, किसके लिए? अभी पढ़ा है ऊपर, तो ये लास्को के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब यहाँ से हमारे केवल इस चैप्टर में हमारे केवल 38 क्वेश्चंस थे। कितने? ये जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला है इसमें केवल हमारे कितने क्वेश्चंस थे? 38 क्वेश्चंस थे, तो हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कल हमारा इसी के आगे यूरोपीय चित्रकला से ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं आपको पता है? उसमें क्वेश्चन हैं 1136। अब बताइए, हम 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं किसी चैप्टर के, मात्र एक चैप्टर। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आर्ट का कर रहे हों, केवल मात्र एक चैप्टर से हम 1136 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आना होगा तो ये बताइए 1100 में से हम क्या एक भी नहीं फंसेंगे? बताइए, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो क्या? बताइए, 1100 से ज़्यादा ही हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, पूरे पूरे फंसेंगे। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, समझ लीजिए TGT आर्ट तुरंत आराम से निकल जाएगा, हंसते हंसते निकल जाएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट इसी से छपते हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वाली क्लास नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी टोटल देखिएगा, ठीक है, पूरी टोटल देखिएगा, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया गया है, ठीक है। किसी भी वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को हल्के में लिया तो आप समझ लीजिए एक या दो नंबर से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, सो जाइए आप लोग।